खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 10 बिंदुओं पर सरकार से अपील की गई है। तो वहीं धरने में विशेष रूप से किसानों के बिल के विरोध का जिक्र किया है। तो वहीं कांग्रेसियों ने विरोध दर्ज कराते हुए मौन धरना प्रदर्शन किया, साथ ही गिरफ्तारी भी दी। तो वहीं मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा बिना चर्चा के ही सदन में बिल पास करा दिया जाता है, जो नैतिक नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से त्रियोगी नारायण शुक्ल, भगत गिरीश सिंह, गुरमीत सिंह, मंगू मुजीत खान, डीपी सिंह, पूर्व सांसद देवराज सिंह, पूर्व विधायक विद्यापति पटेल, राम गरीब वनवासी सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने किसान बचाओ दिवस मनाया। हाँ, आज ये जिला कांग्रेस कमेटी रीवा के द्वारा यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था, जिन पर उन्होंने 10 बिंदुओं पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कमिश्नर सर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया है अपना, और साथ में कुछ सांकेतिक गिरफ्तारियाँ भी दी हैं लगभग 130 लोगों की। इनका ज्ञापन जो है वो 10 बिंदुओं पर है। 10 बिंदुओं में इनकी प्रमुख बिंदु जो हैं, उनमें से जो वर्तमान कृषि अध्यादेश पारित हुए हैं और MSP से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित और गरीबी से संबंधित बिंदुओं पर ये ज्ञापन दिया गया है। इनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है द्वारा उचित माध्यम ये आगे भेज दिया जाएगा।